हम क्या करें? आइडिया, आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 3 करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 3 करते हैं। तो क्वेश्चन तो सेम ही होता है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो आज के वीडियो में हम थोड़े लीनियर इक्वेशन के चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 से इस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम स्टेप यहाँ पर भी, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर 3x 3 into x plus 3 into 3 is equal to 2 into x plus minus, ये माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, माइनस 2 into 6। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 into x 3x 3x plus 3 into 3 9 is equal to 2 into x 2x minus 6 into 2 12। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इसे कैसे सॉल्व करें, देखो ये 3x जैसे का तैसा रखना है, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस बनेगा, माइनस 2x इज इक्वल, ये प्लस है तो उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को जाकर माइनस बनेगा, तो ये माइनस 12 माइनस 9। ठीक है, देयरफॉर ये 3x माइनस 2x x, ठीक है, इज इक्वल माइनस 12 माइनस 9, इनकी दो इन दोनों की एडिशन करेंगे और हम माइनस का साइन देंगे। ठीक है, तो ये आता है माइनस 21, x इज इक्वल टू माइनस 21। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ, मतलब आपको समझेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू x 5 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x प्लस 8। तो ये भी वैसा ही सॉल्व करेंगे, इस 5 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 से इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। वही स्टेप यहाँ भी, इस 2 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 से या इस 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 देयरफॉर 5 इंटू x प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 into x plus 2 into 8। अब ये कैसे सॉल्व करूं, ये तो बहुत ही आसान है, 5 into x 5x plus 5 into 4 20 is equal to 2 into x 2x plus 8 into 2 16। ठीक है, अब ये हमने देखा था इसलिए हम ये सॉल्व कर सकते हैं, 5x ये प्लस है उधर जाकर माइनस बनेगा, माइनस 2x इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाकर माइनस बनेगा, मतलब प्लस 16 माइनस 20। ठीक है, देयरफॉर 5x minus 2x 3x इज इक्वल टू, इनकी क्या करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, इनकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो होती है 4 और आंसर तो बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस 4। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4 ये इंटू में उधर जाकर डिवीजन में बनेगा बाय 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है थर्ड क्वेश्चन, ये है बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो देखो, x प्लस 3 बाय 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 बाय 4। अब ये
ऐसा इक्वेशन रहा तो हमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, वो कैसे, यहाँ यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले फोर इन ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू का साइन थ्री इन ब्रैकेट एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करें, देखो ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो फोर इंटू एक्स प्लस फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव, ठीक है। देयर फोर फोर एक्स प्लस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन। अब ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाकर माइनस बनेगा, इज इक्वल टू ये प्लस है उधर जाकर माइनस बनेगा, इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व, ठीक है। अब देयरफॉर फोर एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री, सॉरी x इज इक्वल टू प्लस थ्री। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखो x प्लस सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू x प्लस टू बाय फाइव, ये दिखता है बहुत मुश्किल लेकिन सॉल्व करने में है बहुत आसान। देयरफॉर अब क्या करेंगे, फाइव इन ब्रैकेट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू, ये ठीक है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देयरफॉर फाइव इंटू एक्स प्लस, ये जो है ना यहां से इन पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब x को भी और 7 को भी, प्लस 5 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। देयरफॉर 5 इंटू एक्स 5x प्लस 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 2 6, ठीक है। देयरफॉर अब ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 5x 5x माइनस 3x इज इक्वल टू ये प्लस 6 ये 35, प्लस है उधर जाकर माइनस बनेगा। देयरफॉर 5x माइनस 2x इज इक्वल टू सॉरी 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस करेंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन आती है माइनस 29, बड़े का साइन देंगे सब्ट्रैक्शन करने के बाद। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये इनटू में और उधर जाकर डिवीजन में बनेगा, मतलब हमारा आंसर आएगा माइनस 29 बाय 2। तो यार दोस्तों आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन देखे और एक चार देख लिए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गए और वीडियो भी 10 मिनट्स का हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, थैंक यू। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम श्योरली वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे।